हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। कई परिवारों के सपने और घर की खुशियां उजड़ गईं। हादसे में 6 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस दुर्घटना में अनेक मासूम बच्चों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता एवं परिजनों को ये क्रूर आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायल हुए बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता में जुटा है। हादसा इतना भयंकर था कि तुरंत प्रभाव से विभाग के अधिकारी और मंत्रियों ने मौके का जायजा लिया। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गंभीरता दिखाते हुए महेंद्रगढ़ के डिप्टी कमिश्नर से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने फोन पर कनीना स्कूल हादसे की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री की ओर से हादसे पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। दर्दनाक हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पलटी है और उसमें अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 6 बच्चों की डेथ हुई है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी की गई है, कुछ ऐसे जिनका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम जो कि कनीना छोटा स्थान है, कुछ बच्चों को रेवाड़ी किया गया है, रेफर किया गया है, और वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज दिया गया है, और तुरंत जो सहायता उपचार है वो सब किया जा रहा है। उन बच्चों का जो भी कुछ उपचार में खर्च होगा वो सारा खर्च जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार का जो उपचार होगा अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया वो उपचार कराएंगे, और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री भी ध्यान उधर कर रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कमल गुप्ता जी से मेरी बात हुई उनका भी बना हुआ है वहाँ संपर्क, और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मैडम लतिका मैडम सीमा त्रिखा जी वो भी वहाँ गई हैं, स्वयं पहुँच गई हैं, और FIR हो गई है। अब FIR होने के बाद जिस स्कूल की बस है उस ड्राइवर का कितना दोष है, उस नाते से जब एक तुरंत जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा निश्चित रूप से। उधर घटना पर पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत ने दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी दुख व्यक्त कर जांच की बात कही। कनीना में हुए दर्दनाक हादसे के बाद परिवहन विभाग की ओर से भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है, और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं, और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो आज बस दुर्घटना हुई है बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ईद की छुट्टी के दिन किस तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है ये अपने आप में एक इंक्वायरी का पार्ट है, और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा सरकार तुरंत इस पे एक ACS एजुकेशन के अंदर कमेटी भी बनाए और मॉनिटर करे। तो महेंद्रगढ़ के कनीना में आज एक दुखदायी घटना हुई है,
सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं को शांति दें, उन बच्चों की आत्माओं को और परिजनों को संभलने का एक संबल दें, ताकत दें। और मैंने एक निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है। नशे के कारण हुए भयंकर हादसे में कई परिवार उजड़ गए, कई घरों के चिराग बुझ गए। खुद पूर्व शिक्षा मंत्री की बहन के दो पोतों की भी मौत हो गई। इतने बड़े हादसे के बाद स्कूल संचालक और प्रिंसिपल समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये कि इतने बड़े हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन जागता है, क्यों ऐसे स्कूलों पर नजर नहीं रखी जाती, आखिरकार क्यों हादसों के बाद ही लोग और प्रशासन जागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।